साथियों, मैं आदरणीय चिराग पासवान जी, जमुई के सांसद, जमुई के बेटे, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आकर जनसभा को संबोधित करे। चिराग जी को जय श्री राम। साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे देश के गौरव, हम सब के अभिमान, हम सब के स्वाभिमान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार राज्य के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी मौजूद, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री सुमित सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, जमुई की लोकप्रिय विधायक और इस मंच की संचालनकर्ता मेरी बहन आदरणीय श्रेयसी सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पार्टी के तमाम सम्मानित जिला अध्यक्ष मौजूद यहां पर, हमारे गठबंधन के अलग अलग प्रखंडों से आए हुए तमाम प्रखंड के पदाधिकारी साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज हम सब के लिए और पूरे जमुई की जनता के लिए यह गर्व की बात है कि जब बिहार में हमारे प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी जमुई की धरती से करते हैं। एक बार जोरदार ताली से प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आज एक तरफ जहां यह हम सब के लिए गर्व की भी बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक भावुक क्षण है, एक भावुक लम्हा है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे उस वक्त मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी मौजूद थे। उस वक्त वो भी मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव प्रयास कर रहे थे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा प्यार समेट कर प्रधानमंत्री जी के लिए वो समर्पित करें। आज जब मेरे पिता यहां पर मौजूद नहीं है, मैं फिर भी मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की 40 सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए। 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतने जा रहे हैं और ये जरूरी भी है। साथियों, आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहां पर मौजूद हैं, जरूरी है राष्ट्रहित में मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना, जरूरी है देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री हैं जिनमें वो क्षमता है, जिनमें वो सामर्थ्य है, जो दुनिया तो क्या, दुनिया के हर एक देश को हमारे सामने नतमस्तक करते हैं, हमारे सामने अभिमान, स्वाभिमान, गौरव से देखने के लिए मजबूर करते हैं। आज दुनिया में देश की लोकप्रियता बढ़ी है, भारत का नाम बढ़ा है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज हमारे देश के आर्थिक हालात सक्षम हुए हैं, समर्थ हुए हैं, ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन सी श्रेणी पे है अर्थव्यवस्था को लेकर, पर आज दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी ने बनाया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है।
आने वाले तीन आने वाले पांच सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने जा रहा है, तो ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो अर्थशास्त्री इस बात को समझे, जबकि हकीकत है जब एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब परिवार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, हर गरीब परिवार के हाथों में ज्यादा कमाई आती है। ये मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर क्षेत्र हर वर्ग का ध्यान रखा। उज्ज्वला के माध्यम से हो, आयुष्मान के माध्यम से हो, हर माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां एक तरफ सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे तकनीकी तौर पर हमारा देश आगे बढ़े और सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, आज हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि जिस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, इसको पहले नक्सल प्रभावित कहा जाता था, लोग दिन ढलने के बाद निकलने में डरते थे, पर आज जो क्षेत्र नक्सलवाद की वजह से जाना जाता था वो आज मेरे प्रधानमंत्री की सभाओं की वजह से जाना जाता है। ये विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज साथियों, हम बिहारियों के लिए ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जिस सरकार का केंद्र में मजबूती से प्रतिनिधित्व नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बिहार में इसी एनडीए सरकार का मजबूती से नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, और अब दो दो मजबूत घटक दल हम लोग के साथ और जुड़े हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। आज पांच दलों का ये मजबूत गठबंधन हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे, जिसमें से एक सीट हमारे जमुई की भी है। आज मेरे प्रधानमंत्री यहाँ पर हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। आप सबसे पुनः आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद अरुण भारती जी को मिला है, आप सब भी 19 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप देखे ना, प्रधानमंत्री जी आए अभी हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर छाप पर मोहर लगाकर अरुण भारती जी को विजयी बनाना है। और प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर आने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।